सबसे पहले बात करते हैं गुरुग्राम की, जहां पर जाम को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जेएमडीए ने एक नई पहल की शुरुआत की है। जिन सड़कों पर जाम लगता है उन सड़कों से जेएमडी ने रेड लाइट हटाने का फैसला लिया है, ताकि जाम को जड़ से खत्म किया जा सके। पिछले अथॉरिटी के मीटिंग में ये प्रोजेक्ट मंजूर हुई थी। अथॉरिटी की मीटिंग 6 मार्च को हुई थी और ये प्रोजेक्ट वहाँ मंजूर हुई थी, जिसमें ये सिग्नल फ्री करने का है। इसमें तकरीबन क्या तीन और एक 4 अंडरपास आएंगे और 2 फ्लाईओवर आएंगे। उल्टा कह रहा हूँ, 3 फ्लाईओवर और 2 अंडरपास आएंगे और एक कुल प्रोजेक्ट का कॉस्ट आया है 380 करोड़। अब लेकिन इसकी फंडिंग अरेंजमेंट हमने वर्कआउट करनी है, तो ये तो इलेक्शन के बाद फंडिंग अरेंजमेंट वर्कआउट करेंगे और फंडिंग अरेंजमेंट होने के बाद फिर इसकी हम टेंडरिंग प्रोसेस में ले जाएंगे। फंडिंग अरेंजमेंट वर्कआउट करने में हमें जितना समय लगे सो लगे, उसके बाद टेंडरिंग प्रोसेस में हमारी स्मूथली आगे निकले।